दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जब किसान आंदोलन चल रहा था, जब किसान आंदोलन की वापसी हुई थी, तो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आह्वान किया गया था कि आने वाली 15 जनवरी को फिर से दिल्ली में किसान पहुंचेंगे और बातचीत करेंगे। कुछ मांगे जो किसानों की थी वो यों की तो बनी हुई हैं, जिसको लेकर फिर दोबारा से किसानों के बीच बातचीत चल रही है और आने वाले समय को लेकर किस तरह की जो तैयारियाँ हैं वो की जाएंगी, क्योंकि आने वाली जो 31 जनवरी है उसको लेकर भी तमाम राज्यों में किसान आंदोलन शुरू कराया जाएगा। वहीं 1 फरवरी से यूपी का टारगेट किसानों का होगा। और बात करते हैं संयुक्त किसान मोर्चा के जो साथ हैं उनसे बात करते हैं। नाम बताओ। मेरा नाम अवतार सिंह कौरजीवाला है, क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब जी। अभी जो बातचीत चल रही है उसका क्या रहेगा और आंदोलन किस तरह आगे चलेगा? देखिए, ये जो 15 जनवरी की मीटिंग रखी थी आज से एक महीना से ऊपर पहले जब ख़त्म करके यहाँ से गए हैं 11 तारीख को, तो उस वक्त ये लगता था कि सरकार कुछ, मतलब उसके जो सरकार के दांत होते हैं ना, वो हाथी जैसे होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं, करने के कुछ और। इसीलिए उस टाइम ये मोर्चे को मतलब कर दिया था सस्पेंड थोड़ा आगे, कि काले कानून वापस हो गए हैं, सरकार ने बोला है जो इसके तहत जो पहले वाली स्थिति में लाएंगे, जिनके ऊपर केस हैं वो केस वापस ले लेंगे। ये एक प्रोसेस है जो बोलते 31 दिसंबर तक हो जाएगा, उसके बाद वो डेट बढ़ती आ रही है, कोई बोल कभी बोलते हैं 10 तारीख तक हो जाएगा, लेकिन वो 15 तारीख आज आ गई है। 15 तारीख तक वो हमारे मसले यूं के त्यों पड़े हैं। MSP पर कमेटी बननी थी, बोलते थे हमें बंदे दो, तो हमने उनका नाम भी दिया था, कुछ किसान नेताओं का दिया था, जो कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सुखपाल या राज्यपाल साहब, उनको दिया था। तो लेकिन अभी तक कोई कमेटी नहीं सरकार से ऊपर से बनी, और ना ही आज तक जो वो मतलब केस हैं वो वापस हुए हैं, और ना ही आज तक जो मतलब कुछ भी जो मांगे हैं ना वो लग नहीं रहा अभी, वो सरकार उसको ठीक ढंग। सबसे बड़ा जो मसला है लखीमपुर खीरी का, जो अजय मिश्रा टैनी है, वो देखो उनके साथ बैठते हैं, वो राज्य गृह मंत्री हैं, आज तक उनसे इस्तीफा नहीं मांगा गया, जबकि पहले सुप्रीम कोर्ट की जो सिट बनी थी उन्होंने बता दिया कि ये साजिश के तहत 120 भी इन पर लगी हुई है, तो इनको गिरफ्तार करना चाहिए। जो FIR दर्ज हुई थी आंदोलन के दौरान, क्या वो रद्द की गई अभी तक? नहीं, वो रद्द नहीं ना हुई, और लगता भी था अभी सरकार ऐसे भूल जाती है, अभी वो लोगों को मूर्ख बनाती रहती है, इसीलिए आज 15 की मीटिंग हो रही है ना। 31 जनवरी को लेकर क्या तैयारियां रहेंगी आंदोलन को लेकर, क्योंकि तमाम राज्यों के लिए बोला जा रहा है कि आने वाली जो 31 जनवरी है उसको लेकर आंदोलन पूरे भारत भर में चालू किया जाएगा? देखो, आंदोलन करना कोई किसानों का शौक नहीं है, पहले भी अगर कोई गड़बड़ हुई है, 3 कानून आए थे तो उन्होंने सब इकट्ठे होकर पूरे देश ने, वो सभी कानून है जो मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, जब एक ही बंदा खरीदार होगा, एक ही बंदा खेती करने वाला होगा, एक ही बंदा उसको स्टोर करेगा, बेचेगा, ऐसे जो घटिया कानून था वो आपके लिए भी माड़े थे, हमारे लिए भी, किसानों के भी, इसलिए ये जन आंदोलन बन गया था। वो जन आंदोलन बनकर ये केस मोदी सरकार को वापस लेने पड़े थे, और अभी जो मांगे रह गई है MSP पर, या अजय टैनी मिश्रा जो है वो उसको सस्पेंड करने के लिए, या उसको गिरफ्तार करने, या इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, उसके लिए दबाव डालने के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम आज देगा, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, आज मिल जाएगा कोई ना कोई प्रोग्राम। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा जो है अभी बातचीत कर रहा है, और करीब शाम के समय जो है वो कॉन्फ्रेंस की जाएगी और तमाम जो बातें हैं वो क्लियर कर दी जाएंगी कि आंदोलन किस तरह से देश भर में दोबारा सुचारू रूप से चलाया जाए, क्योंकि जो कृषि कानून थे उनको लेकर तमाम किसान जो हैं वो परेशान थे, साथ ही जो आम लोग हैं उनके ऊपर भी उसका गहरा असर पड़ने वाला था, जिसको लेकर किसानों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और सरकार को झुकने पर मजबूर किया, जहाँ केंद्र सरकार ने तीनों कानून तो वापस लिए, लेकिन कुछ शर्तें जो किसानों की थी वो अभी तक यूं की तो बनी हुई हैं। इसी को लेकर यह आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है। दिल्ली से नीति सेन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।